हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। हमारे यूट्यूब चैनल हेल्थ की दुनिया में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं हूं नंदिता। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक ऐसा फेस वॉश लेकर आई हूं जिससे अगर सिर्फ आप दिन में एक बार में मुंह धो लेंगे तो आपके चेहरे की रंगत को तो निखारेगा ही। साथ ही साथ फ्रेंड्स, आजकल खासकर ये बहुत ही इफेक्टिव है क्योंकि बरसात का मौसम है और बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है। ऐसा लगता है कि हमेशा चिपचिपी सी हमारी स्किन हो गई है, हमेशा कुछ अजीब सा हमारी स्किन पे लगने लगता है। ऐसे में आप अगर चाहते हैं आपकी स्किन सुबह फेस वॉश करने के बाद बिल्कुल फ्रेश फील करे और सारा दिन आपकी स्किन उजली उजली निखरी हुई लगे, तो ये फेस वॉश आपको ट्राई करना ही होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं। बिल्कुल सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हैं और एक एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट है जिनको पिंपल्स हैं या फिर दाने हैं या कोई भी स्किन एलर्जी अगर हो गई है तो एक एक्स्ट्रा चीज़ आपको डालनी है, अदरवाइज बहुत ही सिंपल सा इंग्रेडिएंट है। सबसे पहले फ्रेंड्स, हम अपना जो एक बेसिक इंग्रेडिएंट है जो मेरे हिसाब से हर फेस वॉश में यूज़ होता है क्योंकि बहुत इफ़ेक्टिव भी है, बहुत अच्छा क्लिंजर भी है, आपके चेहरे से ऑयल तो हटाता ही है, आपकी स्किन पे एक लाइट ब्लीचिंग इफेक्ट भी देता है। 1 टेबल स्पून यहाँ पर ही मैं बेसन ले रही हूँ। फ्रेंड्स, जैसे मैं आपको प्रपोर्शन बता रही हूँ, आप चाहें तो इस प्रपोर्शन में इसको बनाकर स्टोर करके रख लीजिए। जो गीले इंग्रेडिएंट्स हैं वो जैसे दही है, उसको जब आपको फेस वॉश करना हो उस टाइम पे थोड़ी सी दही लीजिए हाथ पर ही और अच्छे से मलिए और फेस को वॉश कर लीजिए। बस इतना सा आपको काम करना। सेकंड जो हमारा इंग्रेडिएंट है जो कि गर्मियों का या फिर इस मौसम में खासकर तो बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, बहुत ज़्यादा हेल्थ के लिए भी बेनिफिशियल होता है, वो दही। वो हमने यहाँ पर डाले है 1 टेबल स्पून बेसन है, 1 बड़ा टेबल स्पून बेसन है और 1 नॉर्मल टेबल स्पून दही है, यानी बेसन की प्रपोर्शन थोड़ी सी ज़्यादा इसमें हमने डाली है। थर्ड चीज़ जो मैं इसमें डाल रही हूँ वो है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल फ्रेंड्स ना सिर्फ आपके दाग धब्बों को कम करता है बल्कि एक चेहरे पे एक मॉइस्चराइजर के काम करता है, आपके चेहरे को हाइड्रेट रखता है जो कि आजकल खासकर बहुत ज़रूरी होता है। तो ये तीनों चीज़ें हैं, अगर नॉर्मल आपकी स्किन है, आपकी स्किन पे कोई एलर्जी नहीं है, कोई पिंपल्स नहीं है, तो ये तीनों चीज़ें आप ऐड करके इसको अच्छी तरह से मिक्स करके और अपने फेस वॉश को बना लेंगे। लेकिन एक ऐसी चीज़ है जो अगर आपकी स्किन पे बहुत ज़्यादा दाने हैं और इस तरह की प्रॉब्लम आपकी स्किन पे यूजली रहती है, वो है फ्रेंड्स नीम पाउडर। नीम पाउडर यहाँ पर मैं 1/2 टेबल स्पून ले रही हूँ, आपको बहुत ईजिली मिल जाएगा, नहीं तो नीम की जो पंखुड़ियाँ हैं उनको छाया में सुखाकर उनको पीस लीजिए, बहुत ईजिली ये बनकर तैयार हो जाते हैं। बस इसको अच्छी तरह से मिलाकर और आप हाथों पर भी चाहे इसको अच्छी तरह से मिला सकते हैं, और अगर थोड़ा सी आपको कंसिस्टेंसी आपको लग रही है, इसकी थोड़ी सी गाढ़ी लग रही है, पेस्ट नहीं बन रहा है, तो आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा कच्चा दूध आप और ऐड कर लीजिए और इसकी क्वालिटी को भी इन्हेंस करेगा और आपको अप्लाई करने में भी आसानी होगी। बस ये पैक हमारा बन के, फेस वॉश हमारा बन के तैयार है। बस इसको आप सुबह चाहे उठकर एक बार इससे फेस वॉश कर लीजिए या नहाते टाइम फेस वॉश कर लीजिए और इस बरसात के मौसम में, इस बारिश के मौसम में अपनी स्किन को भी उतना ही फ्रेश फील करवाइए जितना कि आप कर रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।